हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स जिन्होंने इस साल कैट का एग्ज़ाम लिखा था 2023 में और वो आईएम्स को टारगेट कर रहे थे। स्पेसिफिकली अगर तुम आईएम कोई कोड को टारगेट कर रहे थे, ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज आईएमके, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस आईएम्स, अगर तुम आईएम कोई कोड को टारगेट कर रहे थे तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। इफ़ यू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईएम कोई कोड और तुम यहाँ पर स्क्रोल डाउन करोगे तो इनकी जो स्टेज वन की शॉर्ट लिस्ट है वो आउट हो चुकी है। स्क्रॉल डाउन करके तुम्हें एडमिशन अनाउंसमेंट पर आ जाना है और यहाँ पर तुम देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पीजीपी एडमिशन 2024। इस पर क्लिक करेंगे तो तुम्हारे सामने यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। मार्क द डेट्स, 9th of January 11:59 PM तक का तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम्हारी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, चेक योर मेल्स और इसकी फॉर्म फिलिंग कर देना इफ़ यू वॉन्ट टू एंड अप विथ आई एम कोई कोड। जिन भी स्टूडेंट्स को कॉल आई हुई है आई एम कोई कोड की तरफ से, काइंडली राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन कि तुम्हारा परसेंटाइल क्या था और क्या कैटेगरी से तुम्हें कॉल आई हुई है। तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं। आई एम कोई कोड अडॉप्ट्स अ 3-stage सिलेक्शन प्रोसेस। स्टेज वन जो होगा तुम्हारा, All candidates who have opted for IIM KoiCode in their CAT application and are fulfilling the minimum eligibility criteria would receive an email from online registration for admission to IIM KoiCode. तो अपना email ध्यान से चेक करते रहना। Only those candidates who have successfully completed the online registration process for IIM KoiCode are considered for stage 2. तो अपनी email चेक कर लेना। अगर तुम्हें IIM की तरफ से call आया है तो इसकी application form, I repeat, कल रात 11:59 PM तक खुली हुई है, जाकर फॉर्म फिलअप कर लेना। काफ़ी डिटेल्ड फॉर्म होगा तो थोड़ा ध्यान से भर देना, उसके अंदर तुम्हारी एकेडमिक डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें तुम्हें भरनी होगी। अगर तुमने नहीं भरा तो तुम कंसीडर नहीं करे जाओगे फॉर स्टेज टू। इन स्टेज टू अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच रिजर्वेशन कैटेगरी वुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एग्रीगेट इंडेक्स स्कोर विच इज AIS। AIS इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस इन कैट, एकेडेमिक परफॉर्मेंस, क्लास 10th और 12th, वर्क एक्सपीरियंस, जेंडर एंड एकेडेमिक डाइवर्सिटी। फिर तुम्हारी स्टेज थ्री जो होगी, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स वुड बी आस्क्ड टू अपियर फॉर पर्सनल इंटरव्यू एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट, ऑल्सो नोन एज VAT। तो VAT और PI तुम्हारा स्टेज थ्री होने वाला है। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द PI एंड VAT प्रोसेस अ कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन कैट, PVAT एंड रिज्यूमे। एडमिशन ऑफर्स वुड बी मेड टू द कैंडिडेट्स फॉलोइंग द मेरिट लिस्ट एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन नॉर्म्स। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस आई होप तुम्हारे क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं इसकी एडमिशन पॉलिसी की तरफ। सो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन एडमिशन, यहाँ पर एडमिशन पॉलिसी आ जाएगी तुम्हारे सामने और ये PDF तुम्हारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो स्टेज वन तुम्हारा होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इन स्टेज वन The following minimum eligibility criteria will be applied to all those candidates who have opted for IIM KoiCode. Only candidates obtaining a positive greater than 0 scale score in all section of CAT will be considered. Those candidates who have a graduation degree must secure a minimum of 60% aggregate in their graduation. Those candidates who do not have a graduation degree but completed CA, CMA, ICWA, CS must secure a 50% aggregate marks in these degree. Those candidates who have secured 50% aggregate marks in CA, CMA, ICWA, CS and have a graduation degree must secure a minimum of 60% aggregate marks in their graduation degree. तो पहले टेबल वन में तुम्हारा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। इसके अंदर चार कैटेगरीज हैं, जनरल, OBC, NCL, EWS, SC, ST, PWD। कैट स्कोर परसेंटाइल जनरल वालों के लिए 85, सेक्शनल परसेंटाइल 75 का होना चाहिए, क्लास 10th का जो परसेंटेज होना चाहिए वो है 60, क्लास 12th का परसेंटेज होना चाहिए 60। अगर इतना तुम सेटिस्फाई कर रहे हो एज अ जनरल कैंडिडेट तो तुम्हें यहाँ से कॉल आने की गारंटी है। OBC, NCL, EWS, कैट का जो स्कोर परसेंटाइल होगा, ये ओवरऑल स्कोर की बात हो रही है, तो ये 75 है, सेक्शनल परसेंटाइल 65, क्लास 10th 60 और क्लास 12th 60, SC 65, सेक्शनल परसेंटाइल 55, क्लास 10th 55, क्लास 12th भी 55। STPWD के लिए कैट स्कोर परसेंटाइल होना चाहिए 55, सेक्शनल परसेंटाइल होना चाहिए 45,
क्लास टेंथ होना चाहिए 55 और क्लास ट्वेल्थ भी होना चाहिए 55. द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ वुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट दैट अपियर्स इन द मार्कशीट और ग्रेड शीट इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द बोर्ड कंसिडर्स देम फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज. ऑल कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर आई एम कोईकोड एंड आर फुलफिलिंग द अबव मेंशनड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर द आई एम कोईकोड पीजीपी प्रोग्राम एंड वुड रिसीव एन ईमेल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. तो अपना ईमेल ध्यान से चेक करते रहना. ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड फॉर स्टेज टू. तो अगर तुम्हें कॉल आ चुकी है बट तुमने ये उनकी फॉर्म फिलअप की ही नहीं है तो तुम्हारी स्टेज टू रह जाएगी, तुम अपियर ही नहीं कर पाओगे स्टेज टू के लिए, कंसिडर ही नहीं करे जाओगे. सो प्लीज़ अपनी ईमेल ध्यान से चेक करना एंड कॉल अगर आई है तुम्हें राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन क्या तुम्हारा परसेंटाइल था एंड कौन सी कैटेगरी से तुम बिलोंग करते हो. फिर तुम्हारा जो स्टेज टू होगा वो होगा शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वैट एंड पीआई. अब इसके अंदर एग्रीगेट इंडेक्स स्कोर कंप्यूटेशन होगा तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट के लिए. कैट 2023 के इंडेक्स स्कोर को मिलता है 45% वेटेज, क्लास टेंथ के परसेंटेज को मिलता है 25% ऑफ वेटेज, क्लास ट्वेल्थ को मिलता है 15%, जेंडर एकेडमिक डाइवर्सिटी स्कोर को मिलता है 10, जिसमें से 10 जाता है जेंडर के लिए और 5 जाता है एकेडमिक डाइवर्सिटी के लिए. वर्क एक्सपीरियंस स्कोर 5%. अगर तुम्हारे पास कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप्स काउंट नहीं होती, किसी तरीके की भी इंटर्नशिप्स काउंट नहीं होती, सो इंटर्नशिप्स तुम्हें हेल्प नहीं कर सकती यहाँ पर 5% दिलाने में. बट कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, अगर तुम्हारे पास उस चीज़ का सर्टिफिकेट है, तब वो 5% तुम्हारे यहाँ पर बन सकते हैं. स्टेज थ्री विच विल बी फाइनल शॉर्ट लिस्ट. अब फाइनल शॉर्ट लिस्ट में कैसे इन्होंने वेटेज को बाइफर्केट किया हुआ है, कैट के स्कोर को मिलते हैं 35% ऑफ द वेटेज, पीआई को मिलता है 35% ऑफ वेटेज, वैट को मिलता है 20% और रेज्यूमे स्कोर को मिलता है 10%. तो यहाँ पर तुम्हारा कैट का स्कोर तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ तुम्हें पीआई में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि 35% इक्वल वेटेज तुम्हारे कैट के वो लेके जाता है. तो 35% तुम्हें यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है स्कोर करने, तो उस हिसाब से तुम्हें अपना पीआई परफॉर्म करना पड़ेगा. और पीआई के लिए तुम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, आई विल गाइड यू इन द लेटेस्ट स्टेज ऑफ द वीडियो, सो स्टे ट्यून टिल द एंड. और ये कुछ है रिजर्वेशन पॉलिसीज़, अगर तुम रिजर्वेशन कैटेगरीज में आते हो तो ये रिजर्वेशन पॉलिसीज़ तुम गो थ्रू कर सकते हो. अब अगर इनके बैच प्रोफाइल और प्लेसमेंट्स की बात करें, सो यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन दिस टैब, स्क्रॉल डाउन, तो ये है इनका बैच प्रोफाइल. जैसे कि तुम देख सकते हो काफ़ी रेप्यूटेड आई एम है, थर्ड रैंक मिला है इसको NIRF की तरफ से इन मैनेजमेंट एजुकेशन और थर्ड मोस्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्कूल के इनको अवार्ड्स भी मिल चुके हैं. बैच प्रोफाइल की अगर बात करें तो 35% फीमेल स्टूडेंट्स थी यहाँ पर, 22% मेल स्टूडेंट्स और ऐसे बच्चे जिनका एवरेज वर्क एक्सपीरियंस था 19 मंथ्स का. अब वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 12% बैच जो था वो फ्रेशर था. तो अगर तुम एक फ्रेशर हो एंड इफ़ यू आर टारगेटिंग आई एम कोई कोड, तो ऐसा मत समझना कि फ्रेशर के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है. 12% ऑफ द बैच इज स्टिल अ फ्रेशर. 29% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास 13 से लेकर 23 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस था. 11% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास 36 प्लस मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस था. 20% बैच ऐसा था जिनके पास 1 से लेकर 11 महीनों का वर्क एक्सपीरियंस था और 28% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास 24 से लेकर 35 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस था. और ये से सेक्टर से आ रहे थे, आईटी एंड एनालिटिक्स से 32%, बीएफएसआई से 17%, कंसल्टिंग से 12%, मैन्युफैक्चरिंग से 15, ऑटोमोटिव से 5 और अदर सेक्टर से 19. एकेडमिक बैकग्राउंड की अगर बात करें तो 59% ऑफ द बैच वर इंजीनियर्स, 17% कॉमर्स वाले बच्चे, 11% आर्ट्स वाले, साइंस वाले 9% और अदर कैटेगरीज वाले 4%. और अगर इनके प्लेसमेंट्स की बात करें जो ये 2023 का डेटा है, तो टोटल 556 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ है. टॉप 5% वाले बच्चों को मिला है 62.4 लाख्स पर एनम, टॉप 10% वाले बच्चों को मिला है 55.19, टॉप 20 वालों को मिला है 48.85. 123 नए रिक्रूटर्स थे, 27 LPA का मीडियन CTC, 31.2 का मीन CTC और 67.2 का हाईएस्ट CTC. और इनमें से मीन CTC ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स 31.93. तो ये फीमेल्स के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर
काफ़ी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और एक वुमेन इनक्रेजमेंट का भी इनका जो इनिशिएटिव है वो काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स को भी काफ़ी अच्छा मीन CTC देखने को मिला है। और ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सच एस आदित्य बिरला ग्रुप, एम्बिट कैपिटल, HCL टेक्नोलॉजीज़, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मर्सिडीज़ बेंज, तो ये सारी कंपनीज़ के साथ भी तुम काम कर सकते हो। बट ये सब पॉसिबल तब है अगर तुम्हें कॉल आई हुई है कोई कोड की तरफ से। टुमारो इज़ द लास्ट डेट, 9th of Jan, 11:59 PM तक का तुम्हारे पास टाइम है। गो एंड फिल द फॉर्म, लेट बिल्कुल मत करना। जैसे तुम ये वीडियो देखोगे, चेक योर ईमेल्स, अगर तुम्हें कॉल आई है तो फटाफट से इसका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ख़त्म करो। एंड लेट्स प्रिपेयर फॉर द स्टेज 3 जो तुम्हारा होने वाला है, VAT एंड PI। अब कैसे प्रिपेयर करोगे? अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्योर एजुकेशन एंड गाइड यू अबाउट द VAT PI प्रोग्राम। ऑल राइट, सो क्विकली हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट manuredit.com, क्लिक ऑन बायो, क्लिक ऑन MBA एंट्रेंस, स्क्रॉल डाउन और सबसे नीचे जो तुम्हें ये टैब दिख रहा है GP, VAT एंड PI, इस पर क्लिक कर दो। स्क्रॉल डाउन तो जो पहला वाला टैब है तुम्हें वो चेकआउट करना है, क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। इसमें मिलते हैं 21 वीडियो लेक्चर्स और 2 हैंडआउट्स। और तुम सिर्फ और सिर्फ PI के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो यू कैन चेकआउट द लास्ट टैब, क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। इसके अंदर मिलते हैं तुम्हें 9 वीडियो लेक्चर्स और 1 हैंडआउट। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इफेक्टिव प्रोग्राम है तुम्हारे VAT और PI के लिए, उसके बिना तो तुम्हारी फाइनल सिलेक्शन होने नहीं वाली। 35% तुम्हारा PI होल्ड करता है वेटेज, तो ये चीज़ ध्यान में रखना और उस हिसाब से ही प्रिपेयर करना। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिन्होंने कैट लिखा है, आई एम कोई कोड के कॉल की वेट कर रहे थे, उनको भी पता चल जाए कि कोई कोड की जो है वो स्टेज 1 की शॉर्टलिस्ट आउट हो चुकी है। चेक करना मत भूलना अपना ईमेल, तुम्हें ईमेल में डेफिनेटली इनकी तरफ से कोई ना कोई आई होगी। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट 1।